तो गुड इवनिंग दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हो रही है शाम और मैं जा रही हूँ अपनी किचन की ओर। तो यहाँ पर हैं कुछ बर्तन जिनको निपटाने के बाद अभी मुझे जाना है सब्जी लेने। सब्जी के लिए हमारे वहाँ पे एक हाट लगती है, तो जहाँ वहीं मैं जाऊँगी सब्जी लेने। मोस्टली बुधवार को लगती है। तो बर्तन धोने के बाद ये चाबी मैंने उठा ली है, अभी उठा लेती हूँ बैग और जाती हूँ हाट की ओर। ताला लगाने के बाद चाबी मैं दूंगी अपनी शॉप में, जहाँ की मेरी देवरानी बैठी होंगी, उनको मैं चाबी हैंड ओवर करूँगी। देखो इस तरह है कुछ मौसम। और आज ना हमारे पड़ोस में शादी है, जहाँ की हम भी इनवाइटेड हैं। तो शादी सब्जी लेके आने के बाद हम लोग जाएंगे शादी में। ये उठा लेती हूँ मैं अपनी चिड़िया, ये रही मेरी स्कूटी काली वाली। तो इसमें मैं ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जल्दी काम हो जाए इसलिए स्कूटी में जाऊँगी। हाट में पहुँच चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए, ये है हाट। सब्जी, फ्रूट्स, कपड़े, ये छोटे मोटे सामान यहाँ पे सब आया रहता है। आज थोड़ा कम लगी हुई है हाट, क्योंकि एक्चुअली शादी का मौसम है ना, मतलब शादी का सीज़न, मौसम कह रही हूँ, शादी का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए लोग शायद कम ही सब्जी लेके आए। लोग भी बहुत कम आ रखे थे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही होती है। तो आज इस वजह से लोग भी यहाँ पे कम थे, क्योंकि आज शादियाँ बहुत ज़्यादा थी। हमारे पड़ोस में दो शादियाँ थी। तो मैं पहुँच गई हूँ घर, और चाबी लेने के बाद अब मैं जाऊँगी पूजा करने। ये रही मेरी सब्जी जो मैं लेके आई हूँ वहाँ से। हाट में सब्जी सही मिलती है, इसलिए सब एक ही बार ही ले आते हम लोग। ये देखो, हमारे छत से कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा घर। यहाँ पर शादी है, रौनक बनी हुई है, आज पूरा उजाला हो रखा है गली में। ये देखो हमारे ना मोहल्ले की रोड बहुत, मतलब वैसी है, नैरो है एकदम। यहाँ पर ना दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती, अगर ट्रक आ गया तो एक को पीछे रुकना ही पड़ता है। ये देखो इस प्रकार से आज रौनक बनी हुई है हमारे मोहल्ले में। ये मैंने छत के टॉप से कैप्चर किया है। और ये है हमारा मंदिर जहाँ मैं जा रही हूँ पूजा करने। यहाँ पे ना मम्मी ने एक पेड़ लगाया है गुलाब का, उसमें गुलाब आ गए, बहुत प्यारा लगता है ये। तो सुबह पूजा के लिए मैं यहीं से फूल तोड़ती हूँ। ये मैंने दिया जला लिया, दिया तो सुबह से ही जल रहा था, बस थोड़ा धूपबत्ती जला देती हूँ। और आरती गाने के बाद मैं जाऊंगी हनुमान मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे घर में दो मंदिर। देखो शादी की रोशनी पूरी हमारे घर तक पड़ रही है, और वहाँ पे शादी है। मैं आ चुकी हूँ हनुमान मंदिर, और यहाँ पे दिया जलाने के बाद आशीर्वाद लेने का। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।